ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में आप सभी प्यारे बच्चे को पुनः स्वागत है आज का क्लास ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव का पार्ट टू है और आप सभी प्यारे बच्चे अपने कॉपी कलम निकाल निकाल लेंगे और प्रत्येक प्रश्न को उत्तर सहित लिख लेंगे तो पहला प्रश्न है पिछले 40 वर्षों में बनों का अनुपात बढ़ने का में से कौन सा कारण है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है तो इसका सही उत्तर होगा वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि क्वेश्चन नंबर दो है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया यानी प्राथमिक क्वेश्चन नंबर तीन है निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी क्वेश्चन नंबर चार है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे तो इसका सही उत्तर होगा 40 मिलियन सिटी थे क्वेश्चन नंबर पांच है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्य में से किस राज्य में भौम जल उपयोग यानि प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु क्वेश्चन नंबर छः है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है तो इसका सही उत्तर होगा सिंचाई के सेक्टर में सिंचाई के क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर सात है निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित इस है इसका सही उत्तर होगा असम क्वेश्चन नंबर आठ है विकासशील देशों की जनसंख्या के विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से सुन ले। है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में निम्न में आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है संसाधन क्वेश्चन नंबर है सन 2001 की एक 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है तो 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 दशमलव आठ करोड़ थी इसका सही उत्तर क होगा क्वेश्चन नंबर दस से निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से किस पर पहला परमाणु क्वेश्चन नंबर ग्यारह है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा मैगनीज क्वेश्चन नंबर बारह है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय स्रोत ताप ताप ऊर्जा क्वेश्चन नंबर तेरह है सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है क्वेश्चन नंबर तेरह है दो हजार एक की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे क्वेश्चन नंबर चौदह है, तो है अम्लीय वर्षा का कारण यानी अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण क्वेश्चन नंबर पंद्रह है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पे फसल है तो पे फसल चाय और कॉफी दोनों होता है इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोनों और ख क्वेश्चन नंबर सोलह है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी पूर्ण जनगणना पूछ रहा है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह का सही उत्तर होगा अठारह इक्यासी क्वेश्चन नंबर सत्रह है, दो हजार एक की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था तो दो हजार एक की जनगणना दो हजार एक नहीं दो हजार दो हजार प्रति वर्ग किलोमीटर था क्वेश्चन नंबर अठारह है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो केरल में क्वेश्चन नंबर चौस है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक मार्ग किस किस को जोड़ती है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है तो भारत में नगरीय आबादी इकतीस प्रतिशत है क्वेश्चन नंबर बीस का कौन क्वेश्चन नंबर इक्कीस है भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है तो भारतीय कृषि अधिकतर भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है यानी मानसून पर निर्भर करती है इसे इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर है ऋतु के पश्चात शीतकाल में, शीत में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं वर्षा ऋतु के बाद पश्चात यानी बाद शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं तो शीतकाल यानी वर्षा ऋतु के पश्चात जो फसल बोया जाता है उस फसल को रबी फसल कहा जाता है इसलिए इसका सही उत्तर होगा क को? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तेईस है पचास सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है एक बार क्वेश्चन फिर से सुन ले क्वेश्चन नंबर तेईस है पचास सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या जल सिंचाई रहित प्रदेशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है तो यहाँ पर जो कृषि होती है शुष्क की जाती है क्वेश्चन नंबर चौबीस कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन करतन दहन कृषि का प्रकार है तो क्वेश्चन नंबर चौबीस क्वेश्चन नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा आदिकालीन निर्वाहन कृषि ख आदिकालीन निर्वाहन कृषि ऑप्शन नंबर ख क्वेश्चन नंबर पच्चीस है मानव मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस 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 एक की कोटि उच्चतम है यानी क्वेश्चन है भारत आ, के कुल राज्यों में से मानव विकास सूचांक में प्रथम राज्य कौन है तो इस क्वेश्चन नंबर पच्चीस है क्वेश्चन नंबर पच्चीस का सही उत्तर होगा केरल क्वेश्चन नंबर छब्बीस है निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक सह सदस्य है सदस्य नहीं सह सदस्य है तो सह सदस्य है सापटा का एस ए एफ टी ए साप्टा क्वेश्चन नंबर छब्बीस का क्वेश्चन नंबर निम्न में से किस प्रकार की नदी या नहर के किनारे होती में से किस प्रकार की नदी या नहर के किनारे होती है क्वेश्चन नंबर सत्ताईस तो ये होगा रेखिक रेखीय बस्ती यानी क्वेश्चन नंबर सत्ताईस का गौ क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जीरो से छ के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है तो इसमें सही उत्तर होगा पंजाब यानी क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर उन्तीस है निम्न में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है तो नदी तट पर अवस्थित नहीं नगर है भोपाल क्वेश्चन नंबर उन्तीस का ग क्वेश्चन नंबर तीस है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है तो जल चक्रिय संसाधन है क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इकतीस है निम्नलिखित नदियों में से निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग भूम जल संसाधन है तू नदी है गंगा क्वेश्चन नंबर इकतीस का गौ क्वेश्चन नंबर बत्तीस है घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है यानी क्वेश्चन नंबर बत्तीस है एक बार फिर से सुन ले क्वेश्चन नंबर बत्तीस घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कौन सी संख्या भारत में कुल वर्षा कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है तो भारत में तीन हजार घन किलोमीटर वार्षिक वर्षा होती है इसलिए इसका सही उत्तर होगा गौ क्वेश्चन नंबर तैतीस है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर परिभाषा का अंग नहीं है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तैतीस निगेटिव है ध्यान से देखो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है नगर का परिभाषा होता है जनसंख्या घनत्व चार सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये तो नगर का परिभाषा नगर पालिका निगम का होना नगर में होता है पचहत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होना ये पचहत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या यदि प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होता है तो वो नगर नहीं गांव बस्ती हो जाता है गांव हो जाता है ग्रामीण बस्तियां हो जाती है और क्वेश्चन घ है जनसंख्या आकार पांच हजार व्यक्ति से अधिक तो ये क्वेश्चन नंबर तैंतीस का और घ नगर के परिभाषा में आते हैं और ऑप्शन नंबर गो नहीं आते हैं इसलिए इसका सही उत्तर होगा गो क्वेश्चन नंबर चौबीस है निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है किस पर्यावरण में ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्वेश्चन नंबर चौंतीस क्वेश्चन नंबर चौंतीस है गंगा का जलोड मैदान ऑप्शन देख ले अभी सही ऑप्शन नहीं बता रहे हैं गंगा का गंगा का जलोड मैदान हिमालय की निचली घाटियां राजस्थान के शुष्क और अशुष्क प्रदेश उत्तर पूर्व में वन और पहाड़ियां इसका सही उत्तर होगा राजस्थान के शुष्क और अर्शुष्क प्रदेश क्वेश्चन नंबर पैंतीस है क्वेश्चन नंबर पैंतीस है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है यानी स्थिति के अनुसार क्रमबद्ध है तो इसका सही स्थिति है गोवा नंबर दिल्ली बृहत मुंबई चेन्नई और कोलकाता तो बेटा हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को उत्तर सहित लिख लेंगे और याद कर लेंगे और फिर आगे हम सब्जेक्टिव भी अपलोड कर देंगे और विशेष जानकारी देते हैं आप अधिक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को के नोट के लिए जी ई -E सी एच बनवारीपुर आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आपका डब्लू 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 डॉट जी सी एच डॉट कॉम आपका वेबसाइट भी बन गया है वहां पे आप विषयवार सभी विषयों के नोट अपलोड कर दिया गया है वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और दूसरी बात यह है जो आप अपने मोबाइल पे जी सी एच का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से यानी आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से जी सी एच ऐप इंस्टॉल करके और वहां से भी आप अपनी सभी मटेरियल विषय बार डाउनलोड पीडीएफ में